हो कि युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो युग्म में क्या होते हैं, बिंदु क्या होते हैं, ये ए और बी, ये ए और बी है, इनके बीच की आपको दूरी ज्ञात करना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसके बीच में क्या दूरी है, तो इसके जो मान है इसमें, इसके जो मान आएंगे एक्स वन और वाई वन आएगा, और बी के क्या आ जाएगा इसमें एक्स टू और वाई टू, मतलब इनके बीच की आपको क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है, इसके बीच की दूरी क्या है। तो यहाँ पर एक सूत्र बन जाएगा, इसमें सूत्र दूरी का लगा दो, ये क्या बेटा आपका ध्यान रखना, ये क्या है एक्स वन और वाई वन, ये क्या है एक्स टू और वाई टू, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है आपको। तो दूरी का सूत्र लगा देंगे, रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र आ जाएगा, ये आपको सूत्र का यूज करना है यहाँ पे। तो ये क्या आपका x1 है और ये y1, ये x2 और y2, ये मान आपको सूत्र के अंदर रखना है। तो x2 का मान कितना है, चार है, बट x2 की जगह हम क्या लिखेंगे, चार माइनस x1, x1 कितना है दो, x1 की जगह क्या लिखेंगे दो, फिर y2 क्या दिया हुआ, y2 a, y2 कितना है a, तो क्या लिखेंगे y2 की जगह a, y1 कितना है t, तो क्या लिखेंगे बेटा अपन, चार में से दो घटाएंगे तो दो, तीन में से घटाएंगे कितना बचेगा दो, और माइनस दो बढ़ जाएगा, क्यों बड़ी संख्या माइनस है ना, माइनस दो, क्या तो दो की घात कितनी है, तो आप दो का दो में गुणा करो कितना आएगा चार, इसकी घात कितनी है, तो माइनस दो का माइनस दो में गुणा करके कितना आएगा चार, तो बेटा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसको हल करा कितना आया चार, और चार और चार को जोड़ोगे कितना आएगा आठ, कितना आया आठ, आठ आ गया। अब आठ के हम क्या करेंगे, खंड, तो बेटा आठ के खंड करेंगे तो कितना आएगा, दो गुणी दो गुणी दो, इसमें जोड़ा किसका बन गया, दो का जोड़ा बन गया ना, ये दो करनी के बाहर आ जाएगा, कितना आएगा दो करनी दो, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये बड़ा इसका आंसर हो जाएगा कि इनके बीच की दूरी कितनी है, दो करनी दो है। इसी प्रकार से इसका दूसरा सवाल है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये एक्स वन वाई वन एक्स टू और वाई टू, चाहो तो आप यहाँ पे लिख दो तो क्लियर हो जाएगा, क्या दिया हुआ है x1 कितना है माइनस फाइव, y1 कितना है, कितना है सात, x2 कितना है माइनस वन, और y2 कितना है, कितना है एक, ये लिख दिया अपन ने, कैसे ऐसा कैसा है यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। अब लिखा देंगे बेटा दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र होता है वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बेटा अपन मान रख देंगे, ये जो मान दिया हुआ x2, x2 का मान कितना है, कितना है x2 का मान माइनस वन, तो क्या लेंगे x2 जगह माइनस वन, x1 का मान कितना है माइनस पांच, x2 का मान माइनस पांच है, बेटा दो चीज पास में हो रहे, इसलिए यहाँ पे हम छोटा कोष्टक लगाएंगे, यहाँ छोटा कोष्टक लगेगा तो बाहर कौन सा लगेगा, बड़ा कोष्टक का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है तीन, तो y2 इसे क्या लिखेंगे अपन तीन, माइनस y1 कितना है, कितना y1 सात, सात का होल स्क्वायर, ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो पांच का इमेज आएगा प्लस, तीन में से सात में से तीन घटाएंगे कितना बचेगा माइनस चार, माइनस में क्यों लिखा बेटा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, ये माइनस प्लस घट जाएगा, तो पांच में से एक घटाएंगे कितना बचेगा चार, ये भी घट जाएगा कितना, इसका तो फिर रिकॉर्ड बाद में ओपन कर देंगे अपन, इसको चार घात कितनी है
तो आप चार का चार में गुणा करो कितना आएगा 16 बेटा इसको करें कितना आया 16 इसको भी दो बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना तो चार चौक 16 और 16 को जोड़ेंगे कितना आएगा 16 और 16 कितना हुआ 32 हुआ। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे इस 32 के हम क्या कर देंगे खंड 32 के क्या कर देंगे खंड कर देंगे तो 32 के खंड करेंगे तो दो कितनी बार आएगा 5 बार 2 3 4 4 2 8 8 2 9 16 2 32 अब जोड़ा किसका बना 32 का जोड़ा बन गया पेयर बन गए तो इस जोड़े में से एक तो हरा जाएगा और बेटा इस जोड़े में से एक दो हरा जाएगा इसका बना क्या ये अंदर ही रह जाएगा तो 2 2 4 4 करनी 2 ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये समझ में इनके बीच की आपको दूरी निकालना है ए और बी माइनस ए और माइनस बी ए तो पहला मान्य ये है ये क्या है एक्स वन और वाई वन ये क्या है एक्स टू और वाई टू इसके बाद अगर और होते तो एक्स थ्री वाई थ्री होता ठीक है अभी आपका दो कोष्टक के अंदर दिए हुए ये क्या जाएगा बेटा एक्स वन तो क्या आएगा इसका एक्स वन कितना है ए एक्स वन हो गया फिर ये क्या है वाई वन तो वाई वन कितना है बी ये x1 है y1 b इसी प्रकार से ये क्या है x2 x2 कितना है माइनस a और ये क्या है y2 y2 कितना है माइनस b मतलब ये क्या है x1 ये क्या है y1 ये क्या है x2 और ये क्या है y2 कितना क्या समझ में। अब ये क्या है दूरी का सूत्र कौन सा सूत्र बेटा दूरी का सूत्र ये मान आपको इसके अंदर रखना है जो मान दिए हुए तो x1 बराबर a y1 बराबर b x2 बराबर माइनस a और y2 बराबर माइनस b ये मान इसके अंदर रखना है आपको x2 क्या x2 का मान माइनस है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस a x1 का मान कितना है x1 का a तो x1 की जगह a का होल स्क्वायर प्लस y2 y2 का मान कितना है माइनस बी तो बेटा y2 की जगह माइनस बी y1 y1 कितना है y1 b तो क्या लिखेंगे b का होल स्क्वायर। अब माइनस और माइनस क्या होता है प्लस तो एक और एक जुड़ जाएगा कितना जाएगा कितना जाएगा माइनस दो है का होल स्क्वायर प्लस ये भी जुड़ जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस दो बी का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करना है तो माइनस दो की घात कितनी है दो तो माइनस दो को कितनी बार लिखें दो बार तो माइनस और माइनस क्या हो गया दो का दो में गुणा करें कितना आया एक का एम करेंगे कितना आएगा एक ही घात दो तो इसको हल कराया कितना आया चार एक ही घात दो इसको हल कराएंगे इसी कैसे इसको भी हल करेंगे तो कितना आ जाएगा चार बी की घात कितनी आएगी चार बी की घात दो। अब यहाँ पे आप किसको कॉमन लोगे चार दोनों तरफ है कि नहीं है तो हम चार को क्या कर लेंगे चार को क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा अंदर बेटा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्योंकि चार को तो अपने कॉमन ले लिया तो चार से चार कैंसिल हो गया ए स्क्वायर ये चार से कैंसिल हो गया क्या बचा बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप चार के खंड कर दो तो चार के खंड करोगे कितना आएगा दो गुणी दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया इस जोड़ा में से एक दो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इसका आंसर रह जाएगा।